बॉलीवुड की अब तक की सबसे यादगार और सफल फिल्म शोले के निर्माता रमेश सिप्पी का आज जन्मदिन है। रमेश का जन्म 23 जनवरी 1947 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उनके पिता प्रसिद्ध प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी थे। रमेश के करियर में उन्होंने हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी हैं, पर इसके बावजूद उन्हें उस समय के बड़े निर्माताओं में गिना जाता है और इसका कारण है 1975 में उनकी बनाई हुई फिल्म शोले, जो न सिर्फ हिट साबित हुई पर उस फिल्म ने इतिहास रच दिया। आज भी अगर हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कोई फिल्म है तो वह शोले ही है। एक इंटरव्यू में रमेश ने बताया था कि शोले बनाने के लिए उन्होंने अपने पिताजी से पैसे मांगे थे, क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं था। पिता की मदद के बाद रमेश ने यह फिल्म 3 करोड़ रुपये में बनाई थी। शोले के अलावा रमेश के करियर में कुछ ही हिट फिल्में शामिल हैं, जैसे शान, अंदाज, सीता और गीता और शक्ति। इनके अलावा आई उनकी फिल्में सोनाली केबल, नौटंकी साला, टैक्सी नंबर 9211 और चांदनी चौक टू चाइना फ्लॉप रही। रमेश सिप्पी ने टीवी की दुनिया में भी हाथ आजमाया और बुनियाद जैसा हिट सीरियल दिया। रमेश सिप्पी को उनके हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अब एक बार फिर रमेश फिल्मों में हाथ आजमाने जा रहे हैं। उनकी फिल्म शिमला मिर्च रिलीज होने को तैयार है। शिमला मिर्च में एक बार फिर रमेश ने हेमा मालिनी के साथ काम किया है। हेमा के अलावा फिल्म में राजकुमार राव और रकुल प्रीत भी मुख्य भूमिका में हैं।